एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं, जो कि कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा न्यून कोण हो तथा कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस कॉस 2 बीटा, तो साबित करें कि टेन अल्फा इक्वल टू रूट टू टेन बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा तथा बीटा न्यून कोण दिया है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून न्यून कोण कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, तो कॉस 2 अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस कॉस 2 बीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस 2 ए इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए कॉस 2 बीटा के जगह पे ये लिख देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। उसके बाद देखिए आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 होल अपॉन 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अब इसके आगे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे देखिए एलसीएम 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे भी एलसीएम आया है और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा यहाँ पे भी। तो ये देखिए दोनों डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 माइनस, ये देखिए 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और देखिए 3 टेन स्क्वायर बीटा और माइनस टेन स्क्वायर बीटा, तो हो जाएगा माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा और अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर बीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा अपॉन, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा, तो माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा। अब देखिए माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है और माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा इधर भी है, यानी इक्वल के इधर है, इधर दोनों सेम सेम्बुल रहता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और देखिए प्लस 1 और प्लस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा देखिए 2 टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद देखिए हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर अल्फा, ये भी देखिए 2 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 2 2 जब 4 होता है तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए बच जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू रूट टू टेन बीटा, यहाँ पे स्क्वायर में है तो देखिए इधर जाके रूट में हो जाएगा तो हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू रूट टू टेन बीटा, जो कि हमें प्रूव करना था ये आ जाएगा।